दोस्तों, रणबीर कपूर की एनिमल के ट्रेलर ने पूरा बॉलीवुड हिला डाला है। सलमान खान, सुनील सेठी जैसे दिग्गज एक्टर इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हर कोई इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर चौंक गया है। बॉलीवुड के दिग्गजों का कहना है कि हिंदी सिनेमा के लिए ऐसी फिल्म रिकॉर्ड बनाकर जाती है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनिमल के डायरेक्टर ने कबीर सिंह बनाई थी, जिसने 400 करोड़ की कमाई कर डाली थी। वही अब एनिमल 500 करोड़ पार कर सकती है, लेकिन फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है और 400 करोड़ में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर मानी जाएगी। फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। एनिमल रणबीर कपूर की बिग बजट फिल्मों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल की लैंडिंग कॉस्ट 225 करोड़ रुपए है। ऐसे में रणबीर कपूर की फिल्म को कितने रुपए कमाने होंगे, इसको लेकर केआरके का भी एक बयान सामने आया। वह अक्सर फिल्मों और बॉलीवुड सितारों को लेकर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। केआरके ने दावा किया है कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को हिट होने के लिए 125 करोड़ रुपए का लाइफटाइम बिजनेस करना पड़ेगा। केआरके ने एनिमल को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, एनिमल की लैंडिंग लागत 225 करोड़ रुपए है, 150 करोड़ रुपए में डिजिटल राइट्स बिके हैं, बाकी 75 करोड़ रुपए दुनिया भर के थिएटर से कमाने होंगे, यानी फिल्म को निवेश वसूलने के लिए भारत में 125 करोड़ का लाइफटाइम बिजनेस करना होगा। सोशल मीडिया पर केआरके का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स उनकी पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनिमल का निर्देशन अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। रणबीर कपूर का एनिमल से जुड़ा लुक जब वायरल हुआ था तो उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। यह फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि ये फिल्म कितना आगे जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म लाइफ टाइम में 300 करोड़ रुपए तो कमा ही लेगी, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी शानदार नजर आ रही है और रणबीर कपूर काफी बड़े एक्टर हैं, तो 300 करोड़ तो कमाई बनती है। बाकी आप लोगों को इसका ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।